Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this video, we are going to discuss MEd third semester question paper of open elective subject, that is from Sociology, Indian Society. Majority of the students ke paas yahi subject hota hai and it is very important to discuss the question paper of this particular subject. So let us start and before that I want to tell you that सभी subjects के notes भी हमारे पास available होते हैं चाहे वो elective subject हो या main subjects हो. If you want to take the order for that, if you want to place the order for that, so definitely you can contact my team. The link is in description box and you can order the notes from there. इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट की बात करें तो 3 घंटे का ही पेपर रहता है और 80 मार्क्स का होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो कम मार्क्स का होगा, बट ऐसा नहीं है. जैसे आपके कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं जितना वो यहाँ पे वेटेज कवर करते हैं उतना ही ये इलेक्टिव सब्जेक्ट भी करता है. ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है एंड 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 का इंटरनल रहता है. थर्ड सेमेस्टर आपका 500 मार्क्स का थ्योरी का रहता है और 1 प्रैक्टिकल आपका थर्ड सेमेस्टर में रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे बाकी क्वेश्चंस करने होते हैं आपको उसी हिसाब से है. यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड कोई भी एक आपको करना है, राइट. एंड यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपलसरी है. जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज है. 9th कंपलसरी है और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है. चलिए यूनिट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुलवादी समाज की विशेषताओं की विवेचना करनी है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी रिफ्लेक्ट डिस्कस. देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस है आई हैव शोन यू इन द बेस्ट वे इन द नोट्स. इसको किस तरीके से आपको लिखना है विद फ्लो चार्ट्स, हाईलाइटिंग द हेडिंग्स एंड एवरीथिंग इन द नोट्स. सो बुक की बात की जाए तो देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं आती है. आपको 3-4 बुक खरीदनी पड़ेंगी और फिर उनको रेफर करना पड़ेगा, विच इज लाइक अ बिग हेडेक फॉर एवरीवन. और यहाँ पे ये कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ा देता है. तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स टू गो फॉर द नोट्स इंस्टेड ऑफ लाइक सर्चिंग द मटीरियल फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, राइट. Okay, now coming to unit 2, question number 3, what is caste system? Critically examine the changing pattern of caste system in India. देखिए जाति व्यवस्था क्या है और किस तरीके से ये अब चेंज होती जा रही है, उस आलोचनात्मक विवेचना उसकी आपको करनी है. देखिए कास्ट सिस्टम की मैं बात करूं तो आज के टाइम में आप देख सकते हो जैसा पहले था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, दैट वी ऑल नो. तो उसी के रेफरेंस में आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा होगा ही नहीं. ये एक फिक्स कर लो आप अपना क्वेश्चन स्ट्रैटिफिकेशन का, डेफिनेटली 99% एग्जाम में पूछा जाएगा. क्रिटिकली एग्जामाइन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. देखिए ये अगर आपने सेकेंड पार्ट के लिए कुछ पढ़ा भी ना हो ना तो भी आप इसको खुद से लिख सकते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वी नो हाउ दिस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड हाउ स्टीरियोटाइप सोच जो लोगों की बन गई है लड़के और लड़कियों के लाइक वर्क रोल्स को लेकर, उसके रेफरेंस में आप इसको लिख सकते हैं. बीएड में आपने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर ये पार्ट जरूर पढ़ा होगा. कमिंग टू यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन भी फिक्स्ड है, हमेशा पूछा जाता है, राइट. एंड कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है. देखिए ये टॉपिक आपने अपनी बीएड में भी पढ़ा होगा अंडर द सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 के अंदर, पर वहां पे आपने सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था. यहाँ पे इंडियन सोसाइटी मतलब जनरली कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी को पॉलिटिकली कह लो, इकोनॉमिकली कह लो, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से कह लो, हर एक पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हो. तो ब्रॉड आंसर काफी अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा. इट्स योर वे कि आप इसको किस तरीके से फ्रेम आउट करते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज
संस्कृताइजेशन, देखिए यहाँ पे संस्कृताइजेशन के साथ साथ आपके दो कॉन्सेप्ट और हैं, तो उन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है? मतलब फिक्स है 100% एक पे, तीनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा, बट किस पे आ जाए वो कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली तीनों कॉन्सेप्ट जो संस्कृताइजेशन के साथ हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ संस्कृताइजेशन अ मेजर प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्रिटिकली एग्जामाइन एक्सप्लेन, ठीक है? ओके, कमिंग टू यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामाइन द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी खुद से आप लिख सकते हो किस तरीके से वुमेन का जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है। इसको वर्क के रेफरेंस में लिखें, ठीक है? हाउस होल्ड के रेफरेंस में भी इसको डालें, एंड आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में जो एक परसेंटेज वुमेन की रखी जाती है पॉलिटिक्स में, बेसिकली उसके रेफरेंस में डालें, ठीक है? कैसे वुमेन माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है इंडिया के अंदर, उसके रेफरेंस में डालें। तो देखिए ये जो है यही है जो चेंजिंग स्टेटस आज की सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी इंडिया में हम देखने को मिल रहा है वुमेन का। तो इन इसका भी आंसर बहुत अच्छा फ्रेम आउट होगा, इजीली आपका आंसर 6 पेजेस का, लाइक बटर यू कैन राइट द 6 पेजेस आंसर। सो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन यहाँ पे। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति की आलोचनात्मक विवेचना आपको करनी है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। आई हैव गिवन दिस आंसर वेरी ब्यूटिफुली इन द नोट्स, कि भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों और परिमाणों का, यहाँ पे परिणामों का चर्चा आपको करनी है। देखिए कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज के साथ पहले तो आप बताएंगे सेक्स रेशियो क्या होता है, कैसे इंडिया के अंदर डिक्लाइन कर रहा है, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी फिक्स्ड होता है। बट यूनिट 4 में आपको कम एफर्ट्स करने की जरूरत क्यों पड़ती है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक्स रेशियो से तो क्वेश्चन आता ही है, तो यही टॉपिक आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमेशा एक ऐसा दिया जाता है जिसपे आप ऐसे लिख सकते हो खुद से ही, तो यूनिट 4 को अगर नहीं भी पढ़ोगे या कम पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा बाकी यूनिट्स के मुकाबले, ठीक है? सो कमिंग टू कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट है डिफाइन कल्चर, संस्कृति की परिभाषा बतानी है। देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम प्लीज टेल मी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, इनके लिए कितना लिखा जाए। देखिए 2 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ पेज लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। डिफाइन पूछा है तो कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशंस अगर कल्चर की आती है तो, या डायरेक्टली मीनिंग बता दिया आपने, हाफ पेज का आंसर इससे ज्यादा नहीं, 5 to 6 लाइन, मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स, इससे ज्यादा बिल्कुल मत लिखना, पेपर रह जाएगा वरना बाकी आपका। कमिंग टू सेकेंड पार्ट, व्हाट इज डिफरेंसिएशन, विभेदीकरण क्या है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या है, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण क्या है, डिफाइन डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी को परिभाषित करें, देन व्हाट इज सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या है, व्हाट इज क्लास, वर्ग क्या है, एक्सप्लेन ट्राइब, जनजातियों को समझाइए। सभी का आंसर सिर्फ 6 to 10 लाइन्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द ईयर 2021, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर इंडियन सोसाइटी का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगेन इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट पेड PDF, यू कैन डाउनलोड, अदरवाइज आप वीडियो देखें एंड क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।